नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टोन एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस के कुछ आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2017 की परीक्षा में पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो AG1 करके एक सब पेपर होता है दोस्तों, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। AG1 पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और इसका पार्ट वन है। ठीक है, आने वाले पार्ट भी आप आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकॉन है दोस्तों इसको भी आपको प्रेस करना होगा। इससे होकर क्या कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि AG1 पेपर में साइंस से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। करते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जाइलम पेरेन्काइमा में, फ्लोएम पेरेन्काइमा में, छन्नी नलिका में, सहचर कोशिका में? इसका आंसर होगा दोस्तों छन्नी नलिका में। ठीक है, छन्नी नलिका में तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, छन्नी नलिका में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर बोला है कि इन पर विचार कीजिए। प्रोटीन, इंटरफेरॉन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त तीनों में से किस यौगिक में पेप्टाइड बंध पाया जाता है? तो पेप्टाइड बंध किस कंपाउंड में पाया जाता है हमें बताना है। पहले और दूसरे सही आंसर होगा पहला और दूसरा। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, जो चौथा ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा पहला और दूसरा। प्रोटीन और इंटरफेरॉन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है? प्रोटीन और इंटरफेरॉन, पेप्टाइड लिंकेज। अगला क्वेश्चन है, मानव लार किसके पाचन में सहायता करती है? मानव लार किसके पाचन में सहायता करती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा? आंसर होगा इसका स्टार्च। जो दूसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, जंतु का तंतु किससे बना होता है? जाइलम से, द्वितीय फ्लोएम तंतु से, फ्लोएम से, कोर्टेक्स से? इसका सही आंसर होगा द्वितीयक फ्लोएम तंतु से। जो दूसरा ऑप्शन है सही आंसर होगा द्वितीयक फ्लोएम तंतु से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक कवकनाशी है? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक कवकनाशी है? फ्यूराक्सिल, ब्यूरोन अम्ल, फॉल्पेट, कार्बोक्सिन? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्यूरोन अम्ल। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा ब्यूरोन अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किसने सिस्टमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया था? हक्सले, लिनियस, डार्विन, लैमार? सही आंसर होगा लिनियस, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? आंसर होगा फैब्रिनोजन, फैब्रिनोजन चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा फैब्रिनोजन। अगला क्वेश्चन है, तरल भ्रूणपोष किस फल में पाया जाता है? तरल भ्रूणपोष किस फल में पाया जाता है? ऑप्शन है मटर, मक्का, नारियल, आम? आंसर होगा इसका नारियल, ठीक है, कोकोनट तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा नारियल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है? द हार्मोन दैट कंटेंस आयोडीन इज थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थायरोक्सिन, जो पहला ऑप्शन है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? जीवाणु, फफूंद, हरे पौधे, जंतु? इसका सही आंसर होगा हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है वर्षा से, मृदा से, वायु से, भूमिगत जल से? आंसर होगा मृदा से, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, रेशेदार जड़ तंत्र सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, एक बीज पत्रित पादप में। रेशेदार जड़ तंत्र सामान्यतः किस में पाया जाता है? एक बीज पत्रित पादप में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती? घेंगा। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती? घेंगा। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है इस समय, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। यहाँ पर ऑप्शन दिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, कौन सी गैस वैश्विक तापमान तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में पक्षपात का अवशेष पाया जाता है? कोबरा, समुद्री सांप, घोड़ा पछाड़, अजगर। इसका सही आंसर होगा अजगर, जो चौथा ऑप्शन है सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला में कौन अंत में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? H2O, O2, CO2, साइटोक्रोम A3। आंसर होगा इसका दोस्तों O2, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें किसी एक समुदाय के लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी का अध्ययन किया जाता है? एपिडेमोलॉजी, ओकुलोलॉजी, प्लांटोलॉजी, पैंथोलॉजी। तो इसका आंसर होगा एपिडेमोलॉजी। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें किसी एक समुदाय के लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी का अध्ययन किया जाता है? एपिडेमोलॉजी, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें 1 ग्राम में अधिकतम ATP का उत्पादन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेलुलोज। सही आंसर होगा इसका वसा, ठीक है, फैट। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः जलांतक का कारण बनता है? एक विषाणु, एक जीवाणु, एक प्रोटोजोआ, एक कीड़ा। इसका सही आंसर होगा एक विषाणु, ए वायरस, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, मछली उत्पादन, गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। इसका आंसर होगा दुग्ध उत्पादन, जो श्वेत क्रांति है मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लाख का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? केवल नर कीट के द्वारा, केवल मादा कीट द्वारा, मादा कीट द्वारा ज़्यादा, नर कीट द्वारा कम, नर कीट द्वारा ज़्यादा, मादा कीट द्वारा कम। इसका आंसर होगा मादा कीट द्वारा ज़्यादा और नर कीट द्वारा कम, मादा कीट द्वारा ज़्यादा, नर कीट द्वारा कम, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमोसाइनिन रंग द्रव किसमें पाया जाता है? कोर्डेटा, मोलास्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोलास्का, दूसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोलास्का। निम्न में से कौन सा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्न में से कौन में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, प्लैटीहेलमिंथिस, मोलस्का। इसका सही आंसर होगा एनिलिडा, दूसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एनिलिडा। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एनिलिडा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का प्रकृति में मुख्य कार्य क्या है? मोम बनाने के लिए, परागण में सहायता करता, शहद के निर्माण में, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। मधुमक्खी का प्रकृति में मुख्य कार्य क्या है? मोम बनाने के लिए, प्रकृति में सहायता करता है, शहद के निर्माण में, तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेशम कीट कौन सा? बॉम्बैक्स मोराई, एंथरिया पाफिया, एंथरिया रोयली, एंथरिया आसमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसका आने वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है दोस्तों इस बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी इसके आने वाले पार्ट है वह आप आसानी से देख सकें। इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्बैक्स मोराई, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।